और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, पर प्रदेश सरकार मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ मेट्रो ट्रेन, जबकि उनको कई योजनाएं केंद्र से लेकर के आनी चाहिए थी। अबे अखिलेश जी को पता ही नहीं कि कितनी योजनाएं दे रहे हैं पूरे। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 8 जनपद ऐसे थे कि सबसे ज्यादा अति दलित अति पिछड़े, जहाँ ना कोई रोजगार ना कोई व्यवस्था ना आवासों में हो चाहे किसी क्षेत्र में हो। हमारी सरकार काम करवा रही है और मैं कह सकती हूँ कि अभी आपने देखा होगा माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि प्रदेश में सड़कों के नाम से सरकार जमीन दे, हम देने के लिए तैयार हैं। को राजनीति करनी है जो नाच ना हुए आंगन टेढ़ा, चाह 5 साल कर नहीं पाए तो अभी तो कम से कम धैर्य रखे हैं। हमारी सरकार का भी 6 महीने हुए हैं। एक बार उन्होंने बीजेपी सरकार पे हमला किया है कि बीजेपी सिर्फ जो जिन मुद्दों को लेकर के आई थी कभी उन मुद्दों में खड़ी नहीं उतर रही है, सिर्फ उनके पास बेतुके बयान ही बस खड़ी है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल ठीक है, जो उनकी सरकार ने किया वो हम काम नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार में उनके समय पर उनके मंत्री जेल में जा रहे थे, वो काम हमने नहीं किया, हमने जनता के लिए काम किया है। अब राहुल गांधी को बहुत सीखने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा को उनको रखना चाहिए, कब क्या बोलना है भी बहुत सीखने की ज़रूरत है।